खबर यूपी के देवरिया से है, जहां पर सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव बरसीपार के रहने वाले ग्रामीण की झोपड़ी में देर रात अचानक से आग लग गई, जिससे झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही शासन प्रशासन मौके पर पहुंचा और अधिकारियों ने केवल कागजी कार्रवाई की। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि छोटे बच्चे समेत सभी परिवार के सदस्य 2 दिनों से बिना भोजन के हैं। मदद के लिए भी कोई आगे नहीं आया है। यहां तक कि बच्चे का स्कूल बैग और किताबें तक जल गई हैं। घटना उस समय उनके सुतर रहे जा 12 बजे रात के आके आग लगा के भाग गई बन जा। कौन आग लगा दी? पता तो ना हम दिख रहे तो किसे हम कहीं जाए अच्छा आप जाते देखे ना यहाँ नहीं। अच्छा तो ये आपका क्या क्या एक लड़का आए तो जगह होता ना कि चाचा उठा चाचा तब नहीं उठल बात 7 आदमी घर में घेरा गई बा तभी कमाई पीट के तो खोल ले बन तो नीचे चल बाद में एगो बकरी जल के मर गई भी है। 20,000 रुपया जल बा 5,000 बीखो जल बा एगो टैची रहा कपड़ा लाता रहा 2 गो साइकिल।